गृह मंत्रालय में, केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय में इस वक्त एक हाई लेवल बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज किसानों के हंगामे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक गृह मंत्रालय में चल रही है, जहां पर गृह सचिव भी इस बैठक में शामिल हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। धीरेन्द्र पुंडीर, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का? देखिए अनुराग, इस समय होम मिनिस्ट्री के घर पर जो मीटिंग है उसमें तमाम हाई लेवल अधिकारी हैं होम मिनिस्ट्री के, वो तमाम मौजूद हैं, यहाँ तक कि एचएस भी वहीं मौजूद हैं और तमाम अधिकारियों को, क्योंकि इस समय अलग अलग हिस्सों से किस तरह डिप्लॉयमेंट किया जाना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो रिजर्व फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको किस तरह डेवलपमेंट डिप्लॉय किया जाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिनसे निपट रहे हैं। ये इससे पहले राइटिंग सिचुएशन नहीं है, ये अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग जगह इस समय जो हालात हैं उनको देखते हुए ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से है, क्योंकि ये पूरी तरह से काबू से बाहर है, संख्या बहुत बड़ी है, तो ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि शाम तक जिस तरह के हालात हैं उससे लग रहा है कि ये हालात और बढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। उसमें कई सारी चीजें आप लगातार देख रहे हैं, पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, पुलिस पर भी, पुलिस को कई जगह हटना पड़ रहा है लगातार कई बार, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। इसीलिए ये उनके घर चल रही मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा ये है कि किस तरह से सरकार इस समय लॉ एंड ऑर्डर को बहाल किया जाए, उसके बाद इन सब चीजों पर देखा जाएगा। इस समय सबसे पहले आम आदमी की सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है इस समय गृह सचिव और जो तमाम गृह मंत्री जो इस समय बैठे हैं। धीरेन्द्र, इस वक्त की बड़ी खबर आप साझा कर रहे हैं, आप अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी।